मानक रूपों का समाकलन तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले देखे हैं जो कि कुछ इस प्रकार है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्स ए स्क्वा टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए ये पहला फार्मूला इसमें दूसरा फार्मूला है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन उसमें तीसरा फार्मूला है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स इन टू स्क्र रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन एनवर्स एक्स अपॉन ए इसमें चौथा फार्मूला है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वा और यही है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन इसमें पांचवा फार्मूला है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन स्क् रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यही है कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए इसमें छठवा फार्मूला है इंटीग्रेशन ओवर इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी इक्वल टू वन बाई टू इंटू एक्स स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई टू ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इसमें सातवां फार्मूला है इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी इक्वल टू वन बाई

एक्स बाई टू स्क्वायर रूट ओवर एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ओवर एक्स उसमें नाइन्थ फार्मूला डीएक्स अपॉन स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू वन बाई टू ए Log of x a x a, और है इंटीग्रेशन तो ये जितने भी फॉर्मूले अभी हमने देखे इसका उपयोग हम सीधे प्रश्नों को सरल करने में करेंगे चलिए आइए देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न दिए गए फलनों का समाकलन x के सापेक्ष कीजिए पहला फंक्शन दिया गया है upon plus into x square. तो ये डायरेक्टली किसी भी फॉर्मूले को बिलोंग नहीं करता है एक मोटे तौर पे देखा जाए तो ये वन अपॉन वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को बिलोंग कर सकता है यदि हम x का जो गुणांक है इसे इकाई में परिवर्तित कर दें तो ऐसा करने के लिए हम इसमें से चार को भिष ले लेते हैं ये मिल जाएगा नौ बटे चार धन एक्स का वर्ग देखिए अब अंदर अगर इसको गुणा करेंगे तो यहां पर नौ आ जाएगा और इसका इसका गुणा करेंगे तो चार एक्स का वर्ग आ जाएगा तो इस तरीके से आगे से आप लिख सकते हैं एक बटे चार और नौ बटे चार को आप लिख सकते हैं तीन बटे दो का वर्ग धन एक्स का वर्ग अब देखिए कि चूंकि आपको पता है कि इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्स ए स्क्वायर इक्वल टू होता है वन ए ए एक्स से से तो इसके उपयोग यदि इस दिए गए फलन का समाकलन आई हो तो इसे हम लिखेंगे डी एक्स अपॉन नाइन प्लस फोर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन बाई फोर ये वन बाई फोर है इसी को सोल्व करने पर हमें यह मिला था डी एक्स अपॉन थ्री बाई टू का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो इस फॉर्मूले के अनुसार वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए इसका रिजल्ट होगा तो ये वन बाई फोर पहले से है फिर वन अपॉन ए तो वन अपॉन ए ए के स्थान पर है थ्री बाई टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए ये है आपका एक्स और अपॉन में थ्री बाई टू आगे सॉल्व करते हैं तो ये वन बाई और फिर ये हो जाएगा टू बाई देन टेन इनवर्स टू एक्स अब समाकलन करने के बाद हम प्लस सी लगाते हैं जहां पर सी समाकलन नियतांक है प्लस सी और सरल करके आप इसे लिख सकते हैं 6, inverse, 2x 3 C और यही दिए गए फलन का समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था दूसरा फलन दिया गया है एक्स स्क्वायर अपॉन फोर प्लस एक्स स्क्वायर तो इस प्रश्न को अगर देखा जाए तो ये सीधे तौर पे किसी रूप में नजर नहीं आ रहा है तो इसके लिए हम ये करते हैं कि इसे थोड़ा सा सरल कर लेते हैं कॉमन लॉजिक लगा करके एक्स स्क्वायर प्लस फोर है तो अगर हम हम अगर हम अंश में फोर ऐड कर दें और सब्सट्रैक्ट कर दें तो कुछ हद तक यह सरल हो जाएगा तो इसके लिए हम इसमें फोर ऐड कर रहे हैं और फोर सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं और ये एक्स स्क्वायर प्लस फोर अब दोनों पदों को अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं तो ये एक्स फोर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर माइनस साइन आएगा माइनस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर और फोर को हम लिख सकते हैं टू का स्क्वायर माना कि ये वाई है सॉल्व करने पर अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा वन माइनस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर यदि दिए गए फलन का समाकलन आई हो तो इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन एक्स स्क्वायर फोर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन वन माइनस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर और डीएक्स आगे सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन dx माइनस फोर चूंकि कॉन्स्टेंट है बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन साइन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसा कि आपको पता है कि इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये आपको मिल जाता है वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए से इस फॉर्मूले का उपयोग करके हम लिख सकते हैं आई इंटीग्रेशन डी एक्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक्स माइनस फोर वन अपॉन ए तो वन अपॉन ए अर्थात वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए तो एक्स बाई टू प्लस सी आगे सरल करना चाहें तो आपको मिल जाएगा x इंटू ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मिल जाएगा टू इंटू टेन टू प्लस दिया गया है 1 upon square root over 36 minus x square. इसे और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं वन अपॉन स्क्वायर रूट ओवर सिक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसके पहले हम लोग इसके पहले हमने जो स्टैंडर्ड फार्मूला देखा था वो डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस फार्मूले को ये बिलोंग करता है तो इट इज नथिंग बट साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए तो इस सूत्र का उपयोग करके हम इसका समाकलन कर सकते हैं यदि इस दिए गए फलन का समाकलन i हो तो इसे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन साइन डी स्क्वायर रूट ओवर थर्टी माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू

फॉर्मूले को यूज करते हुए हमें इसका मान ज्ञात करना होगा उसमें अगला प्रश्न दिया गया है upon x into square root over x का पावर फोर माइनस फोर तो इसमें पहले हम प्रतिस्थापन को उपयोग करेंगे यदि हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी लेकर के चले तो हमें मिल जाएगा माना कि यह समीकरण एक है टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी या फिर x dx एक्स इक्वल टू डी टी टू अब चूंकि अंश में x नहीं है और यहां पर हमें x dx ऐसा चाहिए तो इस प्रश्न को हम इस तरीके से परिवर्तित कर सकते हैं दिए गए फलन का यदि समाकलन y हो तो ये dx एक्स अपॉन स्क्वायर रूट और x का पावर फोर माइनस फोर तो इसमें आप x का मल्टीप्लाई कर दीजिए x को डिवाइड कर दीजिए ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यह डीएक्स और ये एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर का फिर ये स्क्वायर हो जाएगा और फिर माइनस टू का स्क्वायर अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले को बिलोंग कर रहा है तो इस तरीके से एक्स डीएक्स के लिए प्रतिस्थापन उपयोग करते हैं डी टी बाई टू यह मिल जाएगा डी टी बाई टू और एक्स स्क्वायर के लिए हमने टी उपयोग किया हुआ है तो ये टी फिर स्क्वायर रूट ओवर एक्स का पावर फोर को आप एक्स का पावर टू का स्क्वायर लिख सकते हैं जैसे कि हमने यहां पर लिखा है तो ये आपको मिल जाएगा टी स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर अब यदि आप वन बाई टू को बाहर ले लें और ये आपको मिल रहा है डी टी टी स्क्वायर रूट ओवर टी स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर तो ये जो है आ, कुछ ये फॉर्मूले को बिलोंग करता है कि डी एक्स स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर हो तो ये आपको मिलता है वन अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए तो इस तरीके से इसका जो इंटीग्रेशन है इसका हमें हल मिल रहा है वन बाई टू वन बाई ए तो यहां पर वन बाई टू मिल जाएगा सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए एक्स के स्थान पर यहां पर टी और ए के स्थान पर है टू सॉल्व करेंगे प्लस सी लिखेंगे क्योंकि यहां पर समाकलन नियतांक सी हमें मिल जाएगा और फिर वन बाई टू इंटू वन बाई टू वन बाई फोर से हम एक्स स्क्वायर रख देते हैं तो ये मिल गया एक्स तो समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था अगला प्रश्न है जहां पर दिया गया है स्क्वायर रूट ओवर वन अपॉन ट्वेंटी फाइव प्लस थर्टी सिक्स एक्स स्क्वायर तो यदि इसे हम और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं वन अपॉन स्क्वायर रूट ओवर फाइव का स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स का स्क्वायर लेकिन चूंकि आपको पता है कि हम जितने भी फॉर्मूले उपयोग करते हैं वहां पर x का जो गुणांक होता है वह एक होता है तो इसे और सरल करने के लिए हम जो छह है उसको उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं अर्थात अगर आप छह उभयनिष्ठ निकालते हैं तो छत्तीस और ये पच्चीस बटे छत्तीस ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो आपको अल्टीमेटली पच्चीस मिल जाएगा इसी तरीके से यहाँ पर हमने छत्तीस को बाहर निकाल लिया है तो यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वा अब एक बटे वर्ग छत्तीस से हम एक बटे छ लिख सकते हैं और अब आगे जो फार्मूला चाहिए वो उस अनुसार में परिवर्तित हो चुका है पच्चीस बटे छत्तीस को आप लिख सकते हैं पांच बटे छः का वर्ग और ये एक्स का वर्ग अब यदि दिए गए फलन का समाकलन आई हो तो इसे हम डायरेक्टली यहां से लिख सकते हैं वन बाई सिक्स डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ओवर फाइव बाई स्क्वायर अब चूंकि आपको पता है कि इंटीग्रेशन डीएक्स अपॉन स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसका हमें सॉल्यूशन मिलता है लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो इस सूत्र का उपयोग करके इसे हम लिख सकते हैं वन बाई सिक्स लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट मीनस फाइव बाई स्क्वायर प्लस सी और सॉल्व करना चाहें तो लिख सकते हैं वन बाई सिक्स लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ओवर थर्टी सिक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव अपॉन थर्टी सिक्स प्लस सी उभयनिष्ठ निकाल के सरल करना चाहें छत्तीस को बाहर लाना चाहें वर्गमूल से तो ये मिल जाएगा x तो ये दिए गए फलन का समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था अगला फलन दिया गया है एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ओवर वन प्लस एक्स का पावर सिक्स तो ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में हम x का पावर थ्री जो है इसको हम t मान करके चलेंगे इसका अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू

तो इसका उपयोग करके दिए गए फलन का समाकलन हम लिख सकते हैं वन बाई थ्री लॉग ऑफ एक्स एक्स के स्थान पर यहाँ पर है टी प्लस स्क्वायर रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस वन प्लस सी समाकन अंक है, है यहाँ पर सी वन बाई थ्री लॉग ऑफ टी और टी का मान रख देते हैं एक्स क्यूब प्लस टी स्क्वायर तो टी यहाँ पर है x, इसको स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा एक्स का पावर सिक्स प्लस वन प्लस सी और यही इस दिए गए फलन का समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था फलन दिया गया है x प्लस वन अपॉन स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन तो इस स्थिति में इस फलन का समाकलन यदि i हो

डी टी अपॉन टू और वर्गमूल के अंदर जो राशि है इसको हमने टी माना है तो इस तरीके से यह आपको मिल जाएगा two, t का पावर one, इसका समाकलन करने पर तो अल्टीमेटली आपको मिल रहा है two, t का पावर वन बाई टू और यहाँ पर भी है वन बाई टू वन बाई टू और वन बाय टू कैंसल हो जाएगा अल्टीमेटली आ जाएगा टी का पावर वन बाय टू टी का पावर वन बाई टू अर्थात तो वर्गमूल है तो ये मान हम यहां पर रख देते हैं तो अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा प्लस वन, इसका स्क्वायर रूट ये आई वन का मान है इसी तरीके से यदि हम आई टू का मान निकालें तो आई टू जो है वो डायरेक्ट फार्मूला है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्स वन इट इज नथिंग बट लॉग ऑफ एक्स प्लस, प्लस स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वा तो समीकरण यहाँ पर हमें आई वन और आई टू का मान प्राप्त हो चुका है तो हम आई लिख सकते हैं ये आई इक्वल टू आई वन आई वन का मान मिल गया हमें वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस वन और फिर आई टू का मान ये हमें मिला है लॉग ऑफ इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस सी लगा देते हैं जहां पर सी जो है ये समाकलन नियतांक है तो ये दिए गए फलन का समाकलन प्राप्त हुआ अगला प्रश्न दिया गया है एक्स क्यूब अपॉन स्क्वायर रूट ओवर एक्स का पावर एट माइनस नाइन तो देखिए यहां पर एक्स का पावर थ्री है तो उसमें यदि एक्स का पावर फोर पद लेंगे यदि एक्स का पावर फोर का हम अवकलन करेंगे तो एक्स का पावर थ्री मिलेगा तो इस तरीके से इस दिए गए फलन का समाकलन ज्ञात करने के लिए हमें यह मान करके चलना होगा या प्रतिस्थापन उपयोग करना होगा एक्स का पावर फोर इक्वल टू टी दोनों पक्षों का आकलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा फोर एक्स का पावर थ्री डी एक्स इक्वल टू डी टी या फिर एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू डी टी अपन तो इस तरीके से यदि दिए गए फलन का समाकलन आई हो तो एक्स क्यूब डीएक्स अपॉन स्क्वायर रूट ओवर एक्स का पावर एट माइनस नाइन इसे लिखा जा सकता है एक्स का पावर थ्री डी एक्स ये आपको मिल गया डी टी अपॉन फोर और स्क्वायर रूट ओवर एक्स का पावर एट तो एक्स का पावर फोर इसका पावर या उसका स्क्वायर आप लिख सकते हैं एक्स का पावर एट तो अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा टी स्क्वायर माइनस नाइन और नाइन को आप लिख सकते हैं थ्री का स्क्वायर तो चूंकि हमने यह पढ़ा हुआ है कि इंटीग्रेशन साइन डी अपॉन स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू यह मिलता है लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से इसका उपयोग करके यहां से हम लिख सकते हैं वन बाई फोर देन लॉग एक्स एक्स के स्थान पर है यहां पर टी तो टी प्लस स्क्वायर रूट ओवर टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये थ्री का स्क्वायर प्लस सी टी की वैल्यू पुट कर देते हैं वन बाई फोर ऑफ एक्स का पावर फोर प्लस स्क्वायर रूट ओवर टी स्क्वायर इट मीन्स एक्स का पावर एट देन और फिर प्लस सी तो ये दिए गए फलन का समाकलन हमें प्राप्त हुआ अगला फलन दिया गया है स्क्वायर रूट ओवर नाइन माइनस फोर एक्स स्क्वायर तो इस तरीके के प्रश्न थोड़ा हम हल कर चुके हैं जहां पर हम यह कोशिश करते हैं कि एक्स का जो गुणांक है वह हमें एक मिल जाए तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि यदि हम चार को उभयनिष्ठ ले लें तो यहां पर हमें वर्गमूल के अंदर में लिखना होगा ये नौ बटे चार और फिर ऋण एक्स का वर्ग देखिए इसका इससे गुणा करेंगे तो मिल जाएगा नौ और इसका इससे गुणा करेंगे तो ऋण चार एक्स का वर्ग तो इस तरीके से हमें यह पद थोड़ा हमने सरल कर लिया है अब हमने यह सूत्र पढ़ा हुआ है कि इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई टू स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू स्क्वाइन इनवर्स एलन है इसका समाकलन यदि आई हो तो इसे आप लिख सकते हैं नाइन माइनस स्क्वायर रूट फोर एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू तो इसे हम सरल करके लिख सकते हैं ये दो और फिर वर्गमूल के अंदर नौ बटे चार तो ये तीन बटे दो का वर्ग हो जाएगा और ये एक्स का वर्ग और फिर ये डी एक्स अब इस सूत्र का उपयोग करके हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एक्स बाई टूर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू तो ए स्क्वायर का मतलब है थ्री बाई टू का स्क्वायर अपॉन टू तो इसको अपॉन टू कर देते हैं और फिर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए तो एक्स अपॉन थ्री बाई टू और प्लस सी आगे सरल करें तो ये टू और ये टू कैंसिल हो जाएगा एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ओवर थ्री का स्क्वायर नाइन माइनस फोर एक्स स्क्वायर अपॉन फोर ये स्क्वायर रूट के अंदर में ही है प्लस इस टू और इस टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा नाइन बाई फोर साइन इनवर्स आपको मिल रहा है टू एक्स बाई थ्री और ये प्लस सी इस फोर को यदि स्क्वायर रूट से बाहर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एक्स बाई टू स्क्वायर रूट ओवर नाइन माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस नाइन बाई फोर साइन इन टू एक्स अपॉन थ्री प्लस सी और यही इस दिए गए फलन का समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था अगला प्रश्न है वाई इक्वल टू ई का पावर एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ओवर ई का पावर टू एक्स प्लस वन इसका हमें समाकलन करना है तो इसके लिए हम e का पावर x को t मान करके चलते हैं इसका अवकलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा e का पावर x dx एक्स इक्वल टू डी तो ये समीकरण दो दिए गए फलन का यदि समाकलन i हो तो इसे हम लिखेंगे i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन e का पावर x स्क्वायर रूट ओवर e का पावर x और फिर इसका स्क्वायर और फिर प्लस वन, देन dx देखिए ई e का पावर एक्स और डी एक्स ये हम इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं डी से तो ये हम लोगों ने लिख दिया डी टी स्क्वायर रूट ओवर ई का पावर एक्स का square, it means t टी स्क्स वन तो आपने ये फार्मूला पढ़ा है कि इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू आपको मिलता है एक्स बाई टू स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर

तो ये हमें मिल रहा है e का पावर x अपॉन 2 देन स्क्वायर रूट ओवर e का पावर x प्लस 1 प्लस 1 बाय 2 लॉग ऑफ t अगेन e का पावर x प्लस स्क्वेयर रूट ओवर e का पावर 2x यहाँ पर ये हमें मिल रहा है 2x e का पावर 2x प्लस 1 फिर प्लस 1 बाय 2 लॉग ऑफ e का पावर x प्लस स्क्वेयर रूट ओवर e का पावर 2x प्लस 1 और c ये दिए गए फलन का समाकलन नियतांक है जो कि हमें ज्ञात करना था अगला प्रश्न दिया गया है upon square minus four, इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है तो हमेशा हम ये कोशिश करते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वह इकाई हो तो इसके लिए हम दोनों पदों से यदि हम नौ को भैनिष्ट निकाल लें तो इसे हम लिख सकते हैं नाइन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर बाई नाइन ताकि इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अल्टीमेटली ये पद मिल जाएगा यदि दिए गए पद का समाकलन आई हो तो इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन डीएक्स अपॉन नाइन एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू वन बाई नाइन इंटीग्रेशन साइन डीएक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर बाई नाइन को आप लिख सकते हैं टू बाई थ्री का स्क्वायर तो ये हमने फॉर्मूला देखा हुआ है कि डीएक्स अपॉन यदि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो आप इसे लिखते हैं वन अपॉन टू ए लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए इसका उपयोग करके ये इंटीग्रेशन हम लिख सकते हैं वन बाई नाइन देन वन बाई टू ए तो वन बाई टू इंटू ए एक स्थान पर है टू बाई थ्री देन लॉग ऑफ एक्स माइनस ए तो एक्स माइनस टू बाई थ्री अपॉन एक्स प्लस ए तो एक्स प्लस टू बाई थ्री और फिर प्लस सी आगे सरल करेंगे तो ये मिल जाएगा चार और ये तीन तीन और चार का कर गुणा करेंगे मिल जाएगा बारह लॉग थ्री एक्स माइनस टू अपॉन थ्री एक्स प्लस टू प्लस सी जहां पर सी दिए जहां पर सी समाकलन नियतांक है तो ये दिए गए फलन का समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करना था और अंत तो में एक और प्रश्न देख लेते हैं कि स्क्वायर रूट ओवर वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स इसका हमें समाकलन ज्ञात करने के लिए कहा गया है इस प्रकार के प्रश्नों को सरल करने के लिए पहले हम इसका परिमेयकरण करके थोड़ा सरल कर लेते हैं और यदि इसमें इसे सरल करने के लिए आप x का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो अंश में जो है वो वन माइनस एक्स का स्क्वायर मिलेगा तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हर में हमें मिल रहा है वन माइनस एक्स स्क्वायर अब इस प्रकार के यदि इस फलन का इंटीग्रेशन आई हो तो इसे हम लिख सकते हैं वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का इंटीग्रेशन इक्वल टू इस पद का इंटीग्रेशन तो ये वन अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर स्क्स और फिर माइनस एक्स स्क्वायर इस तरीके से इसको लिख सकते हैं ये जो पहला पद दिया गया है ये साइन इनवर्स

तो यहां से आपको मिल जाएगा एक्स डी को आप लिख सकते हैं माइनस डी टी अपॉन टू और फिर रूट टी तो माइनस वन बाई टू तो बाहर आ जाएगा और फिर t का power minus 1 by 2 का इंटीग्रेशन करना है तो ये माइनस वन बाई टू तो आपको मिल जाएगा t का पावर वन बाई टू अपॉन वन बाय टू ये वन बाई टू वन बाई टू कैंसिल हो जाएगा अल्टीमेटली आपको मिल रहा है माइनस टी का फिर स्क्वायर रूट और टी हमने ये माना है वन माइनस एक्स स्क्वायर तो आपको मिल रहा है माइनस साइन वन माइनस एक्स स्क्वायर अब यहां पर यदि इसे हम समीकरण ए दें तो हमें मिल रहा है इंटीग्रेशन इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स फिर माइनस और माइनस और माइनस अल्टीमेटली यहां पर हमें मिल जाएगा प्लस स्क्वायर रूट ओवर वन माइनस प्लस सी यहां पर भी आप यहां चाहें तो प्लस सी लिख सकते हैं तो ये जो हमें प्राप्त हुआ है यह दिए गए फलन का समाकलन है